नमस्कार साथियों साथियों दिल्ली में डीएसएसबी की तरफ से काफी वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें कि मेनली जो हमारे हैं टीजीटी की पोस्ट के लिए। तो टीजीटी की पोस्ट के लिए लगभग 7,000 के करीब ये वैकेंसीज आई हैं। और यहाँ पर आपको और मैं बता दूं कि अभी और वैकेंसीज भी आने वाली हैं, जो कि नेक्स्ट वीक में जरूर से जरूर पब्लिश हो जाएगी। इसके पीछे कारण है क्योंकि सर्वर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इसलिए एक साथ वैकेंसी देना नहीं पड़ता। तो टोटल जो डायरेक्टरेट की तरफ से 12,000 के करीब 12,000 के करीब ये जो पोस्ट थी टीजीटी की और पीआरटी की पोस्ट जो थी, मिसलिनियस टीचर्स की थी पोस्ट, तो ये 12,000 के करीब पोस्ट दी थी डीएसएसबी को। लेकिन उसमें से अभी 7,000 के करीब ही है, जिसमें अभी आने वाली जो दास ग्रेड टू की भी पोस्ट आएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी पोस्ट है दिल्ली के लिए। तो मैं ये सारी की सारी डिटेल्स वीडियो में बताऊंगा कि जो टीजीटी की एज के लिए ये सबसे बड़ी बात है, एज और सीटेट। सीटेट ये दो कंसर्न हैं जिसके कारण से हजारों बच्चे इस फॉर्म को भरने में असमर्थ हो गए हैं। साथियों देखिए, कोरोना काल का लगभग समय है, 1.5 साल तक जो चल ही रहा है, 1.5 साल से, और सीटेट भी 1 साल से नहीं हुआ है जो सीटेट है। तो इस वजह से 1 साल हो गया पुराना सीटेट हुए। और यहाँ पर जो एज है वोमेन के लिए एज जो है वो भी कम कर दी है, 30 साल कर दी है, पहले 40 साल थी। तो ये आरटीआई लगी हुई थी जिसमें बताया गया है कि पहले जो थी वो 40 साल से कम करके 30 साल उसकी एज कर दी है, जो कि रिलैक्सेशन दी गई थी। तो ये किसी साथी ने यहाँ पर लगाया था, टीजीटी मैथ्स फीमेल के लिए डिटेल्स उन्होंने मांगी थी कि कितनी वैकेंसी यहाँ पर पेंडिंग है और कितनी वहाँ पर डीएसएसबी में दी गई है। तो इस तरह से ये जो थी मुहिम बना रहे हैं हम कि जो फीमेल कैंडिडेट हैं, जो कि स्तंभ है किसी भी परिवार का, वो एक बार तो उसको मौका मिले। साथियों ये मैं बात क्लियर बता दूं कि यहाँ पर जो भी ये कैंपेन अभी चलाया जा रहा है, ट्विटर पर चलाया जा रहा है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कि एक चांस और मिल जाए, एक चांस मिले उन फीमेल कैंडिडेट्स को जो कि बिल्कुल दहलीज पर हैं, और उन्होंने जेबीटी के बाद में, ओवर एज होने के बाद में बीएड किया और सीटेट किया, ताकि उनको मिल जाए। लेकिन 30 साल तो काफी कम है, और टीचिंग पोस्ट के लिए दूसरे राज्यों में देखे तो 42 42 साल, 45 साल तक भी एज है, फिर दिल्ली में इतना क्यों? लेकिन एलजी की तरफ से ये नोटिफिकेशन दे दिया गया है। काफी लंबी इसके लिए प्रोसेस थी, और जो जो थी प्रोसेस वो अब कंप्लीट हो गई, और इसमें 42 साल की ही अब मानी जाएगी, अब मानी नहीं जाएगी सॉरी, तो ये 30 साल की ही एज लिमिट मानी जाएगी। तो आपके मन में आएगा कि क्या ये कैंसिल हो सकती है पोस्ट? साथियों बिल्कुल भी पोस्ट ये कैंसिल नहीं होगी। और मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि जो सोच रहे हैं कि इसको हम कैंसिल करा दें, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये वैकेंसीज निकली हैं, पिछले साल निकलनी थी लेकिन कोरोना की वजह से ये डिले हो गई हैं। और लगातार अब सभी साथी प्रयासरत हैं कि हमको एक मौका मिल जाए, जो कि ओवर एज हो गए हैं और कोरोना काल ने उनका जो अटेम्प्ट है वो खत्म कर दिया। 7,000 वैकेंसी इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, और काफी पोस्ट हैं, हजार हजार मेल फीमेल की हैं, अभी और आएंगी, 12,000 के करीब ये वैकेंसीज होगी। तो आपके पास कोने को कुछ नहीं है, आप कोशिश करें, ट्विटर पर जरूर आप करें, और कुछ साथी अभी भी ट्विटर पर लगे हुए हैं, और ये एप्लीकेशन भी एक लगाई गई है माननीय उपराज्यपाल जी के पास, ये एप्लीकेशन लगाई है, और वो बता रहे हैं कि 15/4 को एक एप्लीकेशन लगाई गई थी कि इससे संबंधी जो एज है वो उम्र संबंधी जो सीमा है उसको कम किया, जो कम कर दी गई है उसको वापस से बढ़ाया जाए, और 32 साल से 30 साल कर दी गई थी, जिसमें 10 साल और बढ़ा के मिलती थी फीमेल कैंडिडेट्स को। तो ये बहुत सारे जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो इस पर आत्ममंथन कर रहे हैं, और लगातार ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात को सुना जाए। श्री अरविंद केजरीवाल जी को टैग कर रहे हैं, हमारे जो उपराज्यपाल महोदय उनको टैग कर रहे हैं, और ये बात कर रहे हैं उन तक पहुंचाने की। तो साथियों ये वीडियो आपको मैं पहुंचा रहा हूं,
इसके डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक मिलेगा जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उसको ज्वाइन करें और इस मुहिम में जुड़ें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर आगे आएं और इसकी तैयारी करें और कोशिश करें कि वो आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी है उनको कुछ दे सकें और जो शिक्षा का सपना वो देख रहे थे वो दे पाए। इसके संबंध में श्री अशोक अग्रवाल जी से भी बात हुई है और वो भी चाह रहे हैं कि इसमें कुछ किया जाए। 19 मई का उन्होंने टाइम दिया है बात करने के लिए, अभी उनके पास समय की कमी है और वो काफ़ी साथ दे रहे थे इसके लिए और कोशिश कर रहे थे कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और जो स्त्री शक्ति है हमारी उनको इससे संबंधित कुछ फ़ायदा हो जाए। और कैपेबिलिटी तो सभी में है तो इनको अगर एक मौका मिल जाएगा अपनी बात रखने का तो हो सकता है वहाँ पर हो जाए, बात बन जाए। इस पर कोर्ट केस भी करने की सोच रहे हैं, कोर्ट केस कैसे होगा इसकी भी रूपरेखा बन रही है। जो बहुत सारे साथी हैं हमारे वो कोशिश कर रहे हैं कि कोर्ट केस के जरिए यहाँ पर जो एज के लिए रिलैक्सेशन मिल जाए, क्योंकि स्पेशल एजुकेटर के लिए आपको पता होगा कि स्पेशल एजुकेटर के लिए भी पहले एज रिलैक्सेशन ली गई है और उनको वन टाइम मेजरमेंट के तहत एज रिलैक्सेशन दे दी है। दूसरी बात है सीटेट की, तो सीटेट के लिए भी अभी देखिए सीटेट जो है वो ग्रेड टू मतलब टू नंबर में चाहिए हमारा, फर्स्ट में तो पीआरटी का होता है और दो में होता है टीजीटी के लिए, तो आपका दो नंबर में आपका होना चाहिए। और बहुत सारे कमेंट्स हमारी वीडियो के नीचे आ रहे थे काफ़ी साथियों के, तो उनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर केवल एज के रिलैक्सेशन से संबंधित है, एज और जो क्वालिफिकेशन के लिए क्वेश्चन रह गए वो अलग वीडियो में बनाऊंगा कि हर भर्ती के लिए क्या क्या एज है और किस तरह से उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो है। तो आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको कुछ ना कुछ नया यहाँ पर मिलता रहे और जुड़ जाए, इसमें आपके पास खोने को कुछ नहीं है। तो सीटेट की बात थी हमारी, सीटेट जो है वो भी कैंडिडेट एक साल हो गया लगभग सीटेट हुए, तो कैसे वो बच्चे दे पाएंगे जो अभी तुरंत बीएड करके आए थे या जिन्होंने ग्रेजुएशन करके बीएड की थी, तो उनके लिए तो मौका मिला ही नहीं है। तो उन सभी के लिए भी कोशिश की जा रही है कि सीटेट के लिए भी कुछ किया जाए या तो इसकी जो है जो डेट है वो एक्सटेंड की जाए और सीटेट का पेपर कराया जाए। कुछ छात्र इस तरह की भी सोच रखे हुए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या जो सीटेट वाले बच्चे हैं जो फ्रेशर हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं। तो सीटेट वालों के लिए अलग ग्रुप बनेगा और जो एज रिलैक्सेशन के लिए जो कर रहे हैं उनके लिए अलग ग्रुप बनेगा। तो डिस्क्रिप्शन में उन दोनों ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए और जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह की लेटेस्ट जानकारियां मिलती रहे।